बिस्मिल्लाह रहमान रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ द इंग्लिश लैंग्वेज यूनिट एंड वी ऑलरेडी स्टार्ट लर्निंग आफ्टर कंप्लीटिंग द फाइनल टर्म सिलेबस। सो द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट टेकन फ्रॉम द ग्रामर ट्री एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ अ स्टोरी राइटिंग। Our story writing is very interesting and very funniest part of the language. It is very creative. It definitely helps to write and develop new form of writing and how you elaborate your thinking in words. ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं स्टोरी राइटिंग की, तो मैं आपको बताऊँ स्टोरी राइटिंग जो है एक बहुत ही मज़ेदार हिस्सा है लैंग्वेज का, जिसमें आप अपनी क्रिएटिविटी, अपने माइंड के जो आपके आइडियाज़ हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, आप उसको क्या करते हैं, एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, उसको स्टोरी राइटिंग में हम जो है अमेंड कर रहे होते हैं, चेंजेस कर रहे होते हैं अपने माइंड के। ठीक है, नाउ एवरीवन लुक एट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ राइटिंग द स्टोरी। स्टोरी राइट करने का जो हमारा अगला हिस्सा है वो कौन सा है, हाउ टू राइट अ शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, कि जो स्टोरी है वो किस तरीके से हम शॉर्ट करके उसे क्रिएटिवली लिखते हैं। ठीक है, सबसे बेहतरीन जो आपका हिस्सा है लैंग्वेज का, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार भी है, वो स्टोरी राइटिंग ही है। और उसमें ज़्यादा क्रिएटिविटी ये है कि आप बड़ी कहानी को किस तरीके से छोटा करके लिखते हैं। ठीक है, तो उसको कहा जाता है हाउ टू राइट अ शॉर्ट स्टोरी। अब यहाँ पर आप पिक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट आपकी जो स्क्रीन पर अपेयर होगी, तो कुछ मैंने आपको स्टेप्स दिए हैं जो कि स्टोरी राइटिंग के हवाले से डेफिनेटली आपको पता भी होगा और आप उसको यूज़ भी करते होंगे। चलें हम उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। एज़ यू कैन सी द पिक्चर विच इज़ कमिंग ऑन द स्क्रीन, व्हाट इज़ टॉकिंग अबाउट हाउ टू राइट अ शॉर्ट स्टोरी इन 9 सिंपल स्टेप्स। ठीक है, ये हमारे पास 9 सिंपल स्टेप्स हैं जो कि वेरी बहुत ही ज़्यादा आसान हैं और नॉर्मली आपको डेफिनेटली पता भी होंगे। ठीक है, तो जस्ट हम इस पर नज़र डाल लेते हैं। What is the first step? Get the idea of your story. सबसे पहले आप अपने स्टोरी का आइडिया कलेक्ट करें, आप कैसी कहानी लिखना चाहते हैं। Figure out the emotion. स्टोरी आप जो है किस इमोशन के जो है उसको लिख कर रख कर लिखना चाहेंगे, सैड, फनी, क्रिएटिव, ठीक है, या आप कोई चैलेंजिंग, तो इमोशन होना स्टोरी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थर्ड चीज़ क्या है, क्रिएट योर करेक्टर्स। आपने कितने करेक्टर्स की स्टोरी बनानी है, कितने लोग आपने रखने हैं, आपको वो आइडिया लगाना है। आउटलाइन योर स्टोरी, आप स्टोरी में क्या रखना चाह रहे हैं, क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, स्टोरी की आउटलाइन बनाना बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ क्या है, बिगिन विद अ बैंग। अब चलें अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बड़े धमाकेदार हमने जो है ना उसकी एंट्री करनी है, स्टार्टिंग करनी है। नेक्स्ट क्या करना है, राइट योर स्टोरी। चलें अब हम अपनी स्टोरी का आगाज़ करते हैं। राइट एंड ऑसम एंडिंग, स्टोरी लिखने के बाद एंडिंग आपकी कमाल की होनी चाहिए। ठीक है, री रीड एंड एडिट योर स्टोरी, अपनी स्टोरी को दोबारा पढ़ें और अगर उसमें कोई चीज़ गलत आपको लग रही है या आपको लगता है उसे आप चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको चेंज कर दें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थिंक ऑफ अ किलर स्टोरी टाइटल। कहानी को लिखने के बाद आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्सा है वो ये है कि आपने स्टोरी का टाइटल क्या लिखना है। स्टोरी का टाइटल ऐसे होना चाहिए कि हर बंदा टाइटल को देख के कहे वाओ ये स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। जैसे कि आप अक्सर मूवीज़ में देखते हैं कि आपकी जो स्टोरी है उसका जो रिफ्लेक्शन है आपके टाइटल से पता चल रहा होता है। बाज़ वक़्त आपने अक्सर देखा होगा कि आप टाइटल को देखते हैं कि टाइटल कैसा है, तो आप कहते हैं कि टाइटल तो बड़ा अच्छा लग रहा है, इसका मतलब कि स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। तो इसीलिए आपका टाइटल जो है स्टोरी का होना बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि स्टोरी को हम स्टार्ट कैसे करते हैं, उसकी शुरुआत कैसे होगी, तो अब वो भी देख लेते हैं। स्टोरी का जो स्टार्ट है वो डिपेंड करता है पर्सन वेरी टू वेरी। हर शख्स अपने हिसाब से स्टोरी क्रिएट करता है, लेकिन आप लोग क्योंकि बच्चे हैं तो आप लोगों को ये बेहतर रहेगा कि वंस अपॉन अ टाइम इज़ अ वेरी गुड स्लोगन, इज़ अ वेरी गुड पॉइंट ऑफ स्टार्ट। ठीक है, ये जो हिस्सा है यहाँ से आप अपनी स्टोरी को स्टार्ट कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से आप बच्चों के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। और भी बहुत ज़्यादा स्टार्टर्स हैं, लेकिन ऑब्वियसली उसको मीट करना अभी आप लोगों के लेवल से थोड़ा सा बाहर है। तो आप लोग जो है वंस अपॉन अ टाइम से अपनी स्टोरी को क्रिएट करें। ठीक है, अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको प्रेजेंट फॉर्म में लिखना चाहते हैं या पास्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं। ठीक है, आउटलाइन मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ जो कि मैंने आपकी बुक से ही ली हुई है, द ग्रामर ट्री से।
आप उसको देखिएगा, पेज नंबर 119 का जो आपका फर्स्ट लाइन है, मैंने वो आपकी बुक से ही उठाया, ठीक है, स्टोरी आउटलाइन। अब आप पे डिपेंड करते हैं, आप स्टोरी आउटलाइन मैं आपको पिक्चर में भी अभी दूंगी, आप उसको देख लें। उसमें वैसे पास्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ हुआ है, अब आप चाहें तो उसे पास्ट टेंस में ही स्टोरी को जो है राइट करें, अदरवाइज़ आप उसको प्रेजेंट में भी इलैबोरेट कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप जिस तरीके से चाहें स्टोरी को क्रिएट करें। लेकिन अगर आप पास्ट टेंस में यूज़ करें तो आपको पता है कि हम सिंपल फॉर्म जो है पॉजिटिव सेंटेंस, उसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, और जब हम उसको नेगेटिव या इंटरोगेटिव में बनाते हैं तो डिड लगाते हैं और साथ में हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अच्छा, अब हम बात करते हैं आउटलाइन। नेक्स्ट जो पिक्चर है आपको आउटलाइन की जैसे कि नज़र आ रही है, ये आपकी बुक ग्रामर ट्री से लिया गया है, पेज नंबर 119। Develop each outline into a story, ठीक है। आपको मैंने यहाँ पर एक ही outline दी है, तो आपने इसको जो है story में create करना है। बहुत ही मज़ेदार और फ़नी किस्म का article है, ठीक है। आप story outline पढ़ें, आपको खुद ही idea हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। Outline मैं आपको read करके बताती हूँ। Rich old lady becomes blind, call doctor, doctor asks for huge fee, lady agrees to pay it, if cured, doctor comes daily, admires lady's furniture, removes one piece every day, lady finally cured, refuses to pay doctor, doctor goes to court, lady tells judge she is not fully cured, cannot see furniture, judge realizes what has happened, the doctor punished, ठीक है। तो ये आपकी स्टोरी आउटलाइन है, इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कहानी है एक औरत की और डॉक्टर की। डॉक्टर किस तरीके से जो है उसके घर जाकर उसका इलाज करता है और मोटी सी रकम मांगता है अपने इलाज के लिए, तो औरत जो है वो एग्री कर लेती है। अब आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर उसके रोज़ घर जाकर उसका इलाज करना शुरू कर देता है। अब जब वो इलाज करना शुरू करता है तो वो उसकी नज़र पड़ती है औरत के फर्नीचर पर, जो कि उसको बड़ा पसंद आता है। तो वो एक रोज़ हर दिन एक एक चीज़ गायब करना शुरू कर देता है। लेडी बड़ी इंटेलिजेंट होती है, बड़ी होशियार होती है। वो क्या करती है कि जब वो ठीक हो जाती है तो डॉक्टर कहता है अब मेरी फ़ीस दे दो, तो औरत कहती है मैं तो नहीं दूंगी, तो डॉक्टर क्या करता है वो उसे कोर्ट में घसीट लेता है। जब औरत कोर्ट में जाती है तो वो जज को बोलती है कि मैं तो पूरे तरीके से ठीक ही नहीं हुई हूँ, तो वो डॉक्टर कहता है कि क्या मतलब, मैंने तो पूरा इलाज किया, ये देख सकती हैं। तो जज को वो बताती है कि मैं तो ठीक ही नहीं हुई क्योंकि मुझे मेरे घर में मेरा फर्नीचर नज़र नहीं आ रहा, जिसको देखकर जज अंदाज़ा लगाता है कि डॉक्टर ने ज़रूर कोई ना कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से लेडी जो है ऐसी बात कर रही है। तो वो काम क्या होता है कि रोज़ जो है डॉक्टर एक एक करके उसके घर का फर्नीचर जो है हटाना शुरू कर देता है। सो दैट इज़ द वेरी स्टोरी आउटलाइन विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जब आप इसको क्रिएट करेंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड डेफिनेटली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने इस स्टोरी को टाइटल भी देना है। यू शुड हैव टू क्रिएट द टाइटल फॉर दैट स्टोरी, ओके। सो आई होप यू विल एंजॉय द राइटिंग ऑफ दैट टॉपिक। Inshallah, we'll meet soon again with a new topic. Till then, take care. Allah Hafiz.